हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। स्वागत है आपका बिग बॉस की अपडेट्स में। और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक और बहुत ही धमाकेदार अपडेट, जिसे शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, जो भी आसिम रियाज के फैंस हैं उनके लिए खबर बेहद ही बड़ी और बेहद ही खुशी वाली खबर होने वाली है, क्योंकि आसिम रियाज को लेकर खबरें हैं कि वो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो जब सीजन 5 में सनी लियोनी आई थी तो महेश भट्ट ने उन्हें लॉन्च किया था बॉलीवुड में। उसी तरह अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो आसिम रियाज हैं, महेश भट्ट उनको लेकर एक फिल्म बना सकते हैं, जल्दी वो एक फिल्म की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और इस फिल्म में आसिम रियाज के साथ सनी लियोनी दिखाई देंगी, वो उनके साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं आसिम रियाज, जो कि घर में जब आए थे तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो शो में आगे तक जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आसिम रियाज का गेम आगे बढ़ा है, जिस तरीके से आसिम की पॉपुलैरिटी बनी है ट्विटर या सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से आसिम रियाज को रिस्पॉन्स और प्यार मिल रहा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और आसिम रियाज के हाथ एक बड़ी फिल्म लगना, खैर हालांकि अभी तक इस चीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, वो देखने वाली बात होगी कि कब तक मेकर्स इसके अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन खबरें और रिपोर्ट्स यही हैं कि वो जल्द ही महेश भट्ट की फिल्म में नजर आ सकते हैं सनी लियोनी के साथ। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आसिम रियाज ना सिर्फ फिल्मों में काम कर सकते हैं, बल्कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि वो खतरों खिलाड़ी के जो अगला सीजन होगा, खतरों के खिलाड़ी का, रोहित शेट्टी के साथ, उसमें भी वो नजर आ सकते हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि आसिम रियाज के जो सितारे हैं वो इन दोनों बुलंदियों पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें प्यार घर के अंदर मिल रहा है और जनता दे रही है, मतलब शो से बाहर आने से पहले ही उनको बड़े बड़े ऑफर्स हाथ में आ रहे हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आसिम को लेकर के जो खबर आई है इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। वैसे अब आसिम रियाज को बॉलीवुड में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।